हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो पहले हम लोग कुछ क्लासिकल थ्योरीज करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड की, देन हम लोग न्यू क्लासिकल करेंगे, देन हम लोग फिर मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिकल से शुरू करते हैं। क्लासिकल में थ्री थ्योरीज है इंटरनेशनल ट्रेड की, जिसमें फर्स्ट है थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी एंड देन कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म। सी, अब मर्केंटलिज्म थ्योरी क्या थी? सबसे पहले तो ये किसने दी थी, ये इसको पॉपुलराइज करा था एडम स्मिथ ने, जो है हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने ये मर्केंटलिज्म थ्योरी दिया था, और ये थ्योरी थी, ये वन वे ट्रांजैक्शन थी, मीन्स ये बहुत सेल्फिश टाइप की थ्योरी थी, क्योंकि इसको हम लोग वन वे ट्रांजैक्शन बोलते हैं, क्योंकि इससे क्योंकि ये सिर्फ एक चीज़ को ये फोकस करती थी। किस चीज़ को? ये थ्योरी बोलती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, मीन्स सेल एक्सपोर्ट करना मीन्स सेलिंग करना दूसरी कंट्रीज़ में, और इम्पोर्ट जितना हो सके उतना कम करो या ऑलमोस्ट नहीं करो। मीन्स ये सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक्सपोर्ट करो, सेल करो, ताकि हमारे गुड्स जाएँ पर उसका हमें रिटर्न मीन्स इन अ फॉर्म ऑफ मनी या मॉनेटरी वैल्यू में मिले। ये कंट्री, ये थ्योरी बोलती थी कि जिस कंट्री के पास जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ होगी, वो कंट्री उतनी ज़्यादा ही प्रॉस्पेरस एंड डेवलप्ड एंड रिच कंट्री होगी। तो ये कंट्री के ये थ्योरी बोलती थी। तो हम लोग अब इसे पढ़ लेते हैं। वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमी पॉलिसीज वर ग्रेटली डोमिनेटेड बाई दिस थ्योरी, मीन्स जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उसे इस थ्योरी से बहुत इन्फ्लुएंस थी। इट होल्ड्स डैट कंट्रीज शुड इनकरेज एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज इम्पोर्ट। जैसे मैंने बताया कि तो ये बस फोकस एक्सपोर्ट पे करती थी, सेल करने पे दूसरी कंट्री को इम्पोर्ट करने ये कहती थी कम से कम करो। इट स्टेट्स दैट द कंट्रीज वेल्थ डिपेंड ऑन बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, मीन्स क्या कितना वो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कर रही है, फिर उससे उसकी कंट्री की वेल्थ पे डिपेंड करती है। ये थ्योरी कहती थी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी गवर्नमेंट शुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एन इकॉनमी फॉर इंकरेजिंग एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग इम्पोर्ट बाई यूजिंग सब्सिडीज एंड टैक्सेस। और ये थ्योरी कहती थी कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के लिए, बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जिसको होता है वो होता है गवर्नमेंट का, क्योंकि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो होता है कमोडिटीज़ का, वो बहुत ज़्यादा हैवी और बड़ी बड़ी कमोडिटीज़ का होता है, जो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, एक नॉर्मल इन्वेस्टर के काम नहीं होता है ये। तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का। नेक्स्ट है, इन दोज डेज गोल्ड वॉज यूज फॉर ट्रेडिंग गुड्स बिटवीन कंट्री। और उस टाइम पे जिस टाइम पे ये थ्योरी चलती थी, उस टाइम पे जो एक्सचेंज होता था तो वो गोल्ड के फॉर्म में हो जाता, मीन्स जो मॉनेटरी वैल्यू मिलती थी कंट्री को, वो गोल्ड इन अ फॉर्म ऑफ गोल्ड मिलती थी। तो ये थ्योरी बोलती थी कि जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड होगा, उतनी ही वो कंट्री वो रिच एंड डेवलप्ड होगी। मीन्स जैसे एक कंट्री एक्सपोर्ट करेगी अपने कमोडिटीज़ को, तो उसे रिटर्न में वो गोल्ड मिलेंगे, और जब गोल्ड मिलेंगे तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा फिर गोल्ड होने लगेंगे, तो वो कंट्री उतनी ही डेवलप हो जाएगी। इसलिए सिर्फ एक्सपोर्ट को ही फोकस करती थी। इफ़ अ नेशन इज़ अबंडेंट गोल्ड देन इट्स कंसिडर्ड टू बी वेल्दी नेशन। जैसे मैंने बोला कि जिसका कंट्री के पास जितना गोल्ड होगा, वो उतना ही प्रॉस्परस एंड रिच वेल्दी नेशन होगा। बट ये थ्योरी भूल गई कि अगर सब एक्सपोर्ट करने में लग गए, तो फिर इम्पोर्ट कौन करेगा? किसी ना किसी को तो इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा ना, तभी तो एक कंट्री एक्सपोर्ट करेगी। अगर सभी ये रूल फॉलो करने लगे कि सभी को एक्सपोर्ट करना है, तो कोई इम्पोर्ट करेगा ही नहीं, तो फिर अगर कोई इम्पोर्ट नहीं करेगा तो फिर ये एक्सपोर्ट किसे करेगी? इसलिए ये इम्पोर्ट पे तो फोकस करती नहीं थी, तो इसका ये एक डिसएडवांटेज बन गया कि इम्पोर्ट को भी फोकस करना चाहिए था थ्योरी। इसलिए इसको हम लोग सेल्फिश थ्योरी ट्रेड बोलते हैं, डेट्स वन वे ट्रांजेक्शन एंड इग्नोर्ड एनहेंसिंग वर्ल्ड ट्रेड। इसको हम लोग जीरो सम गेम भी बोलते हैं, एज ओनली वन कंट्री बेनिफिट फ्रॉम इट, क्योंकि सिर्फ एक कंट्री को से बेनिफिट होता था। ये थी मर्केंटलिज्म थ्योरी। नाउ नेक्स्ट है एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी। अब इसको भी दिया था, इसको भी एडम स्मिथ ने दी थी इन द ईयर 1776। अब ये थ्योरी क्या कहती है देखते हैं। ये थ्योरी बोलती थी कि कंट्री को वो गुड्स एक्सपोर्ट करने चाहिए कि एक कंट्री को वाले प्रोडक्ट्स कमोडिटीज एक्सपोर्ट करने चाहिए, जिसमें
वो उसे सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली अच्छे से बना सकती है, क्योंकि अगर एक कंट्री अच्छे से अपने कमोडिटी को एकोमोडेटिव बनाएगी तो उसमें उसकी कॉस्ट कम आएगी, और जिस जिस कमोडिटी में कॉस्ट कम होती है उसको पता है उसमें प्रॉफिट सबसे ज़्यादा से ज़्यादा होता है। हम लोग रीड कर लेते हैं एक बार। इट स्टेट्स दैट अ कंट्री शुड स्पेशलाइज इन दूस प्रोडक्ट्स विच कैन प्रोड्यूस एफिशिएंटली। थ्योरी अज्यूम दैट देयर इज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लेबर। मीन्स ये अज्यूम करते थे, ये जो कितने भी क्लासिकल थ्योरिस्ट थे ये लोग सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेते थे जो है लेबर। मीन्स लेबर ही सारा काम करता है, प्रोड्यूस करता है। ही स्टेटेड दैट ही मीन्स एडम स्मिथ, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी दैट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर नेशन टू बिकम रिच साइमल्टेनियसली। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों कंट्रीज़ के लिए कि एक साथ रिच हो, क्योंकि किसी जब एक एक्सपोर्ट करेगा तो दूसरे को तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा ना, आप दोनों एक साथ तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट वेल्थ ऑफ अ कंट्री डज नॉट डिपेंड अपॉन द गोल्ड रिजर्व बट अपॉन गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू सिटीजन। अब ये इसमें इसका सच है इस थ्योरी का कि जो वेल्थ है वो उसकी उसके पास कितना कि एक कंट्री कितनी डेवलप है उसके वेल्थ पे डिपेंड नहीं करता कि कितना गोल्ड उसके पास डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है। तो अगर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगी उसी पे उनकी वेल्थ उसी पे उनके वो डेवलप वो डिपेंड कर डेवलपमेंट उनका डिपेंड करता है। ही स्टेटेड दैट ट्रेड वुड बी बेनिफिशियल फॉर बोथ कंट्रीज इफ कंट्री ए एक्सपोर्ट गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड एट लो कॉस्ट। मतलब ये थ्योरी एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी बोलती थी कि एक कंट्री को वो वाले गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें वो सबसे कम कॉस्ट पे बना सके, और इम्पोर्ट वो गुड्स करना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा उसकी कॉस्ट हो। तो ये थी एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी। और ये वाला पॉइंट मार्केटलिज्म थ्योरी में पॉइंट आउट ही नहीं कराया गया था, बस वो लोग उन्होंने कहा था एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बस एक्सपोर्ट करो, अब किस चीज़ का कौन से कमोडिटीज़ का किस टाइप की कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट करना है वो ये इस चीज़ में वो उसमें फोकस नहीं कराया गया था। अब क्या एक्सपोर्ट करना है कि कॉस्ट कितनी होनी चाहिए तो वो सब एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी में फोकस करा गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज विच इज़ गिवन बाय रिकार्डो। मीन्स डेविड रिकार्डो ने ये वाली थ्योरी दी थी। अब इसमें क्या है कि थ्योरी कहती है कि ट्रेड तब बेनिफिशियल होगा दो कंट्रीज के बीच में जब जिसमें एक कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा सारे प्रोडक्ट्स में और दूसरी कंट्री को बिल्कुल भी एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं होगा। मीन्स जो भी दो कंट्रीज हैं जैसे इंडिया और अमेरिका है, तब इंडिया जो कमोडिटीज एक्सपोर्ट कर रही है तो उसमें उसका पूरा कॉस्ट एडवांटेज होना चाहिए, और जो कमोडिटीज इंडिया प्रोड्यूस कर रही है एक्सपोर्ट कर रही है उसका एडवांटेज अमेरिका में नहीं होना उन कमोडिटीज का एडवांटेज कॉस्ट एडवांटेज अमेरिका में नहीं होना चाहिए। तो ये कहती है थ्योरी। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो अ नेशन लाइक अ पर्सन गेन्स फ्रॉम ट्रेड बाय एक्सपोर्टिंग द गुड्स एंड सर्विसेज इन विच इट हैज़ इट्स ग्रेटेस्ट कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्टिविटी एंड इम्पोर्ट डूज इन विच इट हैज़ लीस एडवांटेज। में सी रिकार्डो के अकॉर्डिंग एक कंट्री को तभी ट्रेड से करने से फ़ायदा होगा जब जब वो एक्स वो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करे जिसमें से सबसे ज़्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज है, और इम्पोर्ट वो करे मीन बाय वो करे जिसमें से सबसे कम कंपैरेटिव एडवांटेज है। और जैसे कि ये लोग क्लासिकल इकोनॉमिक्स से तो ये लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ लेबर ही को मानते थे, इसमें जीरो कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसमें कोई नहीं होती, ना ही कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो ये थी कुछ क्लासिकल की थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो को कुछ इसमें डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।